नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विनोद कुमार पांडे जी से, जिन्होंने यूपीपीएससी 2016 में दूसरा स्थान हासिल किया है। हालांकि ये पहले से ही चयनित हैं पीसीएस जे 2016 में, तब इन्होंने तीसरी रैंक पाई थी और इस बार पीसीएस 2016 में सेकेंड रैंक पाई है। इस चैनल में बहुत सारे विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं और उनके मन में उत्सुकता रहती है कि आखिरकार जो टॉपर होते हैं वो कैसे तैयारी करते हैं, तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पीसीएस 2016 में आपका चयन हुआ है। सर, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नए विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि समान अध्ययन की तैयारी कैसे करें? देखिए, विद्यार्थी दो तरह के जी। एक तो बिल्कुल नए है जी। अब जब आप नए विद्यार्थी की बात कर रहे हैं तो एक तो बिल्कुल नए है, जो बिल्कुल मतलब एंट्री किए हैं कंप्यूटर कॉम्पिटिशन में जी। तो उनके लिए तो ये है कि वो बेसिक लेवल से शुरू करें। बेसिक लेवल मतलब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ें एक बार, दो बार, तीन बार जी। और जब कंसेप्ट बन जाए, जीएस के लिए मैं बात कर रहा हूँ जी जी, जीएस तो जीएस जब उनका तैयार मतलब उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, तब वो एक एक बेसिक बुक पढ़े जी, हर सब्जेक्ट की, जैसे इतिहास जी, भूगोल जी, पॉलिटिक्स जी, इकोनॉमिक्स जी, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी। अगर कुछ किताबों का नाम बता सके, जैसे ज्योग्राफी में कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ सकते हैं जो आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, इलाहाबाद में जो प्रयागराज में जो मिल जाए। मैं ज्योग्राफी के लिए जो मैंने मुझे क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं ज्योग्राफी के जी, मुझे महेश बर्णवाल की किताब काफी बढ़िया लगती है जी जी जी। और भारत की भूगोल में एक पेरियार की किताब आई हाँ, बिल्कुल नहीं जी जी, उसको मैंने रिसेंटली देखा था, एक साल पहले लिया था, बहुत बढ़िया किताब जी। और मैप से मतलब एकदम रफ स्केच से समझाया गया जी, वो एक अच्छा मतलब मैप का कंसेप्ट बढ़िया क्लियर बना देता है माइंड में जी जी। तो एक चीज ये है, दूसरी की ज्यादा आप किताबें ना पढ़ी जाए। अच्छा अच्छा, एक ही किताब को बार बार पढ़ा जाए, कंठस्थ कर लिया। और भूगोल के लिए तो मैप देखना आवश्यक। अच्छा, आप कुछ भी पढ़े उसको इमीडिएट मैप से आप उसको तुरंत ही मैप देखें जी। आपने कोई नदी देखा, पहाड़ देखा, कुछ भी देख रहे हैं तो आप उसको ढूंढिए मैप में जी जी, जिससे कि आप पिक्चर बन जाए जी उस नदी की और उसकी सराउंडिंग्स की जी। उस अगर कोई देश न्यूज में है, उस देश की, उसके अगल बगल कोई मतलब जो भी है, पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए जी जी जी। तो किताबें कम पढ़ें लेकिन पिक्चर्स और मैप्स पे ज्यादा ध्यान दें भूगोल के लिए जी जी। और किताब तो आप प्री के लिए तो महेश बर्णवाल और पेरियार पेरियार पढ़ना। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत कम चीजें उपलब्ध हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैं अपना बताना चाहूंगा कि मैंने रमेश सिंह को पढ़ा है, पब्लिकेशन टाटा मैकग्रा-हिल की जी, इंडियन इकोनॉमी। मुझे एक्चुअल में इंग्लिश में भी कोई समस्या नहीं थी। अच्छा, लेकिन वो किताब सिर्फ इंग्लिश में ही अच्छी है जी, इतना मैं कहना चाहूंगा जी, जी, जी। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप टीएमएच आप मून भी पढ़ सकते हैं। तो आपका मीडियम, हाँ, विद्यार्थियों का ये बहुत ज्यादा आरोप है कि हिंदी मीडियम वालों का चयन कम होता है और इंग्लिश मीडियम वालों का चयन ज्यादा होता है, ये बात कहाँ तक सही है? मैं इस पे पूर्णतया तो नहीं, आंशिक रूप से मैं सहमत हूँ जी, लेकिन ये है कि कंटेंट मैटर करता है जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ जी जी। क्योंकि मैंने पहले भी हिंदी में भी मैंने मेंस लिखा जी और इंग्लिश में भी लिखा है जी जी, और लॉ मैंने इंग्लिश में ही पढ़ा है तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं था, मुझे इंग्लिश में ही लिखना था। लेकिन जो मैंने देखा है कि हिंदी में मैटर जो है उसमें दिक्कत है, मैटर की उपलब्धता की समस्या है कम जी, हाँ, जी सामग्री और बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ज्यादातर लड़के उसको फॉलो करते हैं जी। तो हिंदी माध्यम वालों के लिए भी मेरा ये कहना है कि आप किताबों में जाइए, आप नोट्स और ये रेडीमेड मटेरियल्स पे रिलाई ना करके अच्छा अच्छा अपने नोट्स बनाइए। ये जो बाजार में नोट्स मिलते हैं उन पे ज्यादा विश्वास ना करें। नहीं, विश्वास आप कर सकते हैं, उससे आप देख सकते हैं, लेकिन आप फिर भी उसको सेम टू सेम आप रिप्रोड्यूस ना करें जी जी। आप किताबें उठाएं जी, प्रश्न देखें, अनसॉल्व पेपर उठाएं जी, और अपने आंसर बनाएं जी जी, जिससे कि कुछ मतलब क्रिएटिविटी और नवीनता दिखे आंसर में, मौलिकता दिखे मतलब लगे कि आपने भी प्रयास किया है जी। ये बहुत आवश्यक है, चाहे आप हिंदी में लिखे या अंग्रेजी में जी जी। और करेंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े विद्यार्थी?
क्योंकि करंट अफेयर्स अब काफ़ी आ रहा है आजकल, जो ट्रेंड चला है काफ़ी प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी। हाँ नहीं, करंट अफेयर्स तो हमेशा से बहुत रिलीवेंट है, तो करंट अफेयर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपको न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर कोई भी जी अपने हिसाब से, इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ते हैं जी, हिंदी मीडियम वाले कोई भी न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला कुछ भी पढ़ सकते हैं जी। उसके साथ आपको एक पत्रिका, एक मैगजीन मतलब बहुत ही अच्छी तरह से पढ़नी जी, और बेसिकली क्रॉनिकल, दृष्टि या प्रतियोगिता दर्पण जी, इसमें से कोई भी एक मैगजीन आप हर महीने अच्छी तरह से पढ़ें जी, और हो सके तो क्रॉनिकल पढ़ी, क्रॉनिकल विशेष रूप से मैंने क्रॉनिकल पढ़ी जी। और आपके वैकल्पिक विषय क्या क्या थे? वैकल्पिक विषय मेरे लॉ और डिफेंस स्टडीज था जी, विधि और रक्षा अध्ययन जी जी। रक्षा अध्ययन की तैयारी कैसे करी आपने? रक्षा अध्ययन के लिए मैंने बुक्स पर रिलाई किया मेनली, और पुराने पेपर्स देखे जी, सिलेबस और पेपर जी, दो चीजें मैंने अपने सामने रखा जी, और टॉपिक में एक टॉपिक उठा के उसमें से जितने तरह के प्रश्न आए हुए हैं जी उसके मैंने सिलेक्ट कर लिया जी, और उनके सारे प्रश्नों के मैंने नोट्स बनाए अपने जी, किताब मतलब मैंने किताबों का अध्ययन किया और किताबों से नोट्स बनाए जी। आपने खुद नोट्स बनाए? खुद नोट्स बनाए मैंने, कोई कोचिंग नहीं किया आपने? नहीं, कोचिंग नहीं किया मैंने जी, कोचिंग के नोट्स मैंने जरूर देखे हैं जी, मैंने जो भी नोट्स हैं यहाँ जी जी वो नोट्स देखे जी, लेकिन नोट्स मैंने खुद स्वयं के बनाए। अच्छा अच्छा। और मेनली जो इंटरनेशनल रिलेशन है इसके लिए एक युवा गई किताब आती है जी जी, वो बहुत सहायक रही मेरे लिए सेकंड पेपर के लिए, खास करके डिफेंस जी जी जी, और फर्स्ट पेपर के लिए ये रजवंत सिंह है जी जी। हाँ मतलब हिंदी में पढ़ के मैंने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जी, क्योंकि मटेरियल की थोड़ा इंग्लिश में दिक्कत है, डिफेंस सीरीज में खास। हाँ शेखर अधिकारी की बुक भी देखी जी, उससे भी थोड़ा बहुत हेल्प मिली। अच्छा अच्छा। इसी तरह से और एक दो किताबें हैं, हालांकि हिंदी माध्यम में बहुत किताबें हैं, हिंदी की किताबें देख के मैंने ज़्यादातर पढ़ाई की। अच्छा अच्छा। और ला की तैयारी आपने कैसे की? जो आपका एक सब्जेक्ट ला भी था, एक लॉ है मेरा लॉ सब्जेक्ट जी जी। लॉ में फर्स्ट पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जे एन पांडे की किताब आती है जी जी आती है, और इंटरनेशनल लॉ के लिए एस के कपूर, ये दो किताबें ही मैंने पढ़ी जी। और बेसिक मेरा मेन था कि पेपर देखना, सिलेबस देखना, और इन्हीं बुक से नोट्स बनाना, मैंने इनसे सारे आज तक जितने। आपने लॉ की भी कोई कोचिंग नहीं की? नहीं, कोचिंग नहीं किया किसी भी, लाकी भी नहीं की। और मैं ऑलरेडी सर्विस में रहा हूँ हमेशा जी जी। हाँ आप तो पहले से ही चयनित हैं, तो ये बताइए जैसे बहुत सारी चर्चा रहती है कि लोग विद्यार्थी कहते हैं कि 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, 16 घंटे पढ़ने पड़ता है, तो क्या माने रखता है, ज़्यादा समय माने रखता है या सिलेक्टेड? नहीं समय की, मुझे नहीं लगता कि समय की बहुत पढ़ने में महत्व है। आप कैसे समय निकाल पाते? क्वांटिटी मैटर करती है जी, आप 3 घंटा पढ़े 2 घंटा पढ़े जी, लेकिन आप कितना कंसंट्रेटेड है, कितना फोकस्ड है। आपने एक टॉपिक पढ़ा लेकिन वो आपको अगर दे दिया जाए तो आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं जी, समझा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपने दिन भर पढ़ा और आप एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ बताने की स्थिति में नहीं जी, मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। समय पे तो बिल्कुल फोकस ना करें कि इतने घंटे पढ़ने हैं जी जी, समय पे फोकस करें कि ये टॉपिक मुझे आज तैयार करना है जी, या 2 दिन में करना है, 3 दिन में करना है, टॉपिक पे आप जाएं। अच्छा अच्छा। समय आप भूल जाएं, अपने समय से कोई विशेष मतलब नहीं रहता। जो वैसे सामान्यता है अगर कोई नया विद्यार्थी ग्रेजुएशन करके आता है तो लगभग उसको कितना समय नॉर्मली लगेगा पीसीएस क्रैक करने में? लगता है कि मिनिमम 2 साल तो लग ही जाएगा जी जी, क्योंकि जीएस और ऑप्शनल लेके और फिर नोट्स बना के, इस कम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जी, तो बहुत ही मतलब अगर बहुत ही अच्छा विद्यार्थी भी होगा तो 1 से 2 साल लगेंगे जी जी जी। आपका ये कौन सा प्रयास था सर? प्रयास तो मेरा क्योंकि तीसरा था ये पीसीएस का, मैं पीसीएस देता नहीं था जी, मैं आईएएस ही फोकस था पहले जी जी जी, जब आईएएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब मैंने पीसीएस पे फोकस किया, और जे और पीसीएस दोनों, क्योंकि मैंने लॉ किया और एलएलबी जी जी, करके फिर मैंने देना शुरू किया जी, लॉ से भी जे में भी मेरा सिलेक्शन हो गया जी जी जी, 2016 जी जी जी। ठीक है सर, टारगेट विद पीएस परिहार के चैनल तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। इसके बाद में आप लोगों के कुछ और प्रश्न हैं
वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि इनका साक्षात्कार किस बोर्ड में हुआ था। तो जो इनका साक्षात्कार है वो जयराम वैद्य जी के बोर्ड में हुआ था, और इन्होंने किस माध्यम से परीक्षा दी थी, तो इन्होंने इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दी थी। और ये पहले से ही चयनित हैं PCS JEE 2016, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसके बावजूद भी इन्होंने समय निकाला और तैयारी की और टॉप भी किया PCS 2016 में सेकंड। तो ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।